A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform. मेरा नाम है शुभम वाजने और आज हम बात करेंगे थिएटर कमांड के बारे में। ये टॉपिक आपके इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों यूनिफॉर्म को पाने में मदद करेगा। अब बात जो है थिएटर कमांड की, वो क्यों उठी है। जो हमारे सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उन्होंने कहा है, जो बिपिन रावत साहब है, उन्होंने कहा है कि हम थिएटर कमांड बनाएंगे 2022 तक। कितनी बनाएंगे, वो है 5। अब उन्हें बात कहने की क्या जरूरत पड़ गई, इसलिए जरूरत पड़ गई, उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है सिनर्जी एंड इंटीग्रेशन ऑफ 3 सर्विस, मतलब कि तीनों फोर्सेस कैसे तालमेल बनाकर काम करें, ये उनके अंदर आता है। तो उन्होंने ये बात कही, पर उनकी इस बात को कहने का एक और रीजन था, वो रीजन था चाइना। चाइना अगर आप पूरा देखो तो उनकी सारी जितनी भी कमांड है वो सब थिएटर कमांड में बटी हुई है। इनके पास टोटल 5 थिएटर कमांड है, वेस्टर्न, नॉर्थन, सेंट्रल, ईस्टर्न, साउथर्न। और जो वेस्टर्न कमांड है वो पूरी की पूरी इंडिया को टच कर रही है। अब थिएटर कमांड होती क्या, सवाल ये आता है। अगर आम शब्द में कहें तो इस थिएटर शब्द को हमें पकड़ना पड़ेगा। अब थिएटर में क्या होता है, जो प्लेस होते हैं सीक्वेंस में होते हैं, राइट, कि पहले एक चीज होगी, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, फिर क्लाइमेक्स आएगा, फिर एंडिंग होगी। इसी तरह थिएटर कमांड में होता है। इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों एक साथ मिलकर काम करती हैं। और जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स होती है, इन तीनों के ऊपर सिर्फ एक कमांडिंग ऑफिसर होता है। ऐसा नहीं आर्मी के ऊपर आर्मी का कमांडिंग ऑफिसर होगा, नेवी के ऊपर नेवी कमांडिंग ऑफिसर होगा और एयरफोर्स के ऊपर एयरफोर्स का कमांडिंग ऑफिसर होगा। इन तीनों के ऊपर एक ही कमांडिंग ऑफिसर होगा, वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी का भी हो सकता है। यहां तक की बात हमें समझ में आ गई। अब इसमें खास बात और है थिएटर कमांड के अंदर। मान लो हाइपोथेटिकली कल हमारी चाइना से लड़ाई हो जाती है, ठीक है, और सीधे वेस्टर्न थिएटर कमांड जो है चाइना की, उसने हम पे अटैक करना शुरू कर दिया। तो इंडिया पे मान लो यहाँ पर थिएटर कमांड बनी हुई है, तो इंडिया की थिएटर कमांड एक्शन लेने में टाइम नहीं लगाएगी। वो बिना सेंट्रल से पूछे कि मैं एक्शन लू या नहीं लू, वो सवाल नहीं पूछेगी, वो डायरेक्टली एक्ट कर देगी कि यहाँ पर जरूरत थी, हमारी डिफेंस को छिड़ा गया है, हमारी जो सिक्योरिटी है उसको एक्सीड करा गया है, तो हम यहाँ पर एक्शन ले लेंगे। ये एक अच्छी बात है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर लॉजिस्टिक रिसोर्सेज, मतलब कितना गोला बारूद जाना चाहिए आगे, कितना नहीं है, कितने रिसोर्स अवेलेबल हैं, इसके पीछे कोई लॉजिस्टिक रिसोर्स के लिए हेडक्वार्टर से बात करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही इस चीज को मेंटेन रखेंगे। यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर कोई हिंड्रेंस नहीं है। अब पूरे थिएटर कमांड के ऊपर जो हेड होंगे वो होंगे सीधे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, ये अभी तक न्यूज में आ रहा है। अब यहां से कहानी आगे बढ़ती है। अब थिएटर कमांड हमारे यहाँ कभी पहले बनी नहीं क्या, हमारे यहाँ ट्राई सर्विस कमांड है, उसको हम एक तरह से थिएटर कमांड कह सकते हैं। वो एग्जांपल है अंडमान निकोबार का। अंडमान निकोबार जो कमांड है वो थिएटर कमांड है और वो 2001 में बनाई गई थी आफ्टर कारगिल वॉर। इसके बाद एक और कमांड है जो कि ट्राई सर्विस कमांड है, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों एक साथ काम करती है, उसका नाम है स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। अब इस स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड में खास बात क्या है कि हम यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं कि हमारे जो न्यूक्लियर वेपन है वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये इंटीग्रेटेड फंक्शनल कमांड है, ये इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड नहीं है। तो अभी तक जो थिएटर कमांड है वो सिर्फ अंडमान निकोबार बनी है। अब जब आप इतना बोल के चुके होंगे तो आपको एक बात और ऐड करनी पड़ेगी कि यहाँ पर हमें थिएटर कमांड की जरूरत क्यों पड़ गई। देखो, अभी निर्मला सीतारमन ने डिफेंस बजट अनाउंस किया था तो वो था 4.7 लाख करोड़, बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है। पर इस 4.7 लाख करोड़ को 4 हिस्सों में बांटा गया है। अगर इसका 1/4 हिस्सा लिया गया है वो है पेंशन के लिए, जो आर्म फोर्स के पर्सन है जो रिटायर्ड हुए हैं। 1/4 जो हिस्सा है वो है सैलरी के लिए, जो अभी काम कर रहे हैं आर्म फोर्स के पर्सन। 1/4 हिस्सा है इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटेनेंस को डेवलप करने के लिए कि यहाँ पर हमें आर्म फोर्सेज के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है और हमारे जो इक्विपमेंट है उनका मेंटेनेंस कैसे होगा। तो सिर्फ लास्ट का 1/4 ही नए इक्विपमेंट को लाने के लिए बचता है, मतलब करीबन 1 लाख करोड़। और अगर हम कहें कि एक S-400 करोड़ों रुपए में आता है, तो अगर हमें कई मल्टीपल चाहिए होंगे तो हमारा 1 लाख करोड़ तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ये भी एक रीजन बना कि हमें थिएटर कमांड की जरूरत क्यों है। अगर मान लो आर्मी के पास कोई रिसोर्सेज हैं तो वो नेवी भी इस्तेमाल कर पाएगा अगर थिएटर कमांड बन जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डेसॉल्ट जो फाइटर प्लेन है वो कम है, अभी बहुत कम आए हैं, तो अभी हमें डेसॉल्ट फाइटर प्लेन चाहिए और हमें चाहिए, यहाँ पर हमने डिप्लॉय कर रखे हैं आंध्र प्रदेश में हाइपोथेटिकली, और यहाँ पर चाइना का एग्रेशन हो रखा है। अब यहाँ पर इंटीग्रेटेड कमांड है, यहाँ पर नेवी भी है और एयरफोर्स भी एक साथ है। तो नेवी कह सकती है आपने जो डेसॉल्ट हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं उनको भेज दीजिए यहाँ पर, और हम यहाँ पर हम चाइना से डिफेंस कर पाएंगे अपना ज्यादा अच्छी तरह से।
तो यहां पर हमें सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जो रिसोर्स होंगे उनका ऑप्टिमाइजेशन हो पाएगा। यहां तक की बात हो गई। अब यहां पर एक सवाल आता है। सवाल क्या आता है कि जब आप इतना सब कुछ बता रहे होगे इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे में कि सर थिएटर कमांड ये है, अभी तक थिएटर कमांड कोई बनी नहीं थी, एकमात्र जो थी वो अंडमान निकोबार थी, उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ट्राई सर्विस के नाम पे स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड थी, तो उनके मन में सवाल आएगा कि अच्छा एक बात बताओ कि अभी तक हमारे पास कोई कमांड थी कि नहीं थी अब तक, और अगर थी तो वो कहाँ है। अब वो कहाँ है वो पूछेगा आपकी एसएसबी के अकॉर्डिंग, मतलब फॉर एग्जांपल आपकी इंडियन आर्मी की एसएसबी है तो पूछेगा कि आर्मी की कमांड्स कहाँ पर है, या नेवी की कमांड्स कहाँ पर है, या एयरफोर्स की कमांड कहाँ पर है। अब जरा एक एक की कमांड देखते हैं, ये बहुत ही गूगली क्वेश्चन है, और सोचो अगर आप नहीं बता पाए तो आपको भी लगेगा यार मुझे बेसिक सवाल नहीं पता। तो पहला हमारा है नेवी का देखते हैं, तो नेवी में जो हमारे आ रहे हैं वो है, पहला है वेस्टर्न कमांड जो कि मुंबई में है, उसके बाद है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, यहां पर आएगा हमारा करीबन, और लास्ट है कोची साउथर्न कमांड जो कि केरला के अंदर है। इसके बाद आती है एयरफोर्स की कमांड्स। देखो जो एयरफोर्स में कमांड है वो 7 है, इस बात को आपको याद रखना है। अब इसमें जो पहली सेंट्रल एयर कमांड है वो अलाहाबाद में है, मतलब यहां पर करीबन, उसके बाद ईस्टर्न कमांड शिलोंग जो कि हमारी चाइना को कवर करती है वो हमारी यहाँ पर आ गई मेघालय की कैपिटल शिलोंग। इसके बाद साउथर्न एयर कमांड तिरुवनंतपुरम केरला में मिल जाएगी आपको, यहाँ बॉटम में एकदम एंड पॉइंट में। फिर है हमारी साउथर्न कमांड गांधीनगर में जहां पर गांधी जी का आश्रम है। अब अगला है वेस्टर्न एयर कमांड जो कि हो गई न्यू दिल्ली। सो ट्रेनिंग कमांड हो गई बेंगलुरु में, एंड मेंटेनेंस कमांड हो गई नागपुर में, मतलब यहां पर महाराष्ट्र की ईस्ट साइड में यहां पर नागपुर आ गया। अब यहां पर एक सवाल बनता है, एक और अगर मान लो आपकी एसएसबी बेंगलुरु में हुई, या आपकी एसएसबी अलाहाबाद में हुई, या आपकी एसएसबी गांधीनगर में हुई, तो ये सवाल बनता है कि भाई यहां पर कौन सा कमांड है। देखो यहां पर अलाहाबाद में सेंट्रल कमांड है एयरफोर्स की, और साउथर्न वेस्टर्न कमांड है गांधीनगर की, और बेंगलुरु में है ट्रेनिंग कमांड, चाहे आपकी किसी की भी एसएसबी हो, आर्मी नेवी एयरफोर्स, तो ये आपसे पूछा जा सकता है आप अलाहाबाद के बारे में क्या जानते हो, बेंगलुरु के बारे में क्या जानते हो, और गांधीनगर के बारे में क्या जानते हो, अगर आपकी एसएसबी का सेंटर ये पड़ा है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को अपने दिमाग में ध्यान रखें। तो दो सवाल हो गए, पहला सवाल हो गया डू वी हैव एनी कमांड बिफोर थिएटर कमांड, कि हमारे पास अभी तक थिएटर कमांड बनने वाली है तो क्या हमारे पास थिएटर कमांड से पहले कोई कमांड थी, तो आपका सवाल होगा हाँ हमारे पास थी। तो वो आपसे स्पेसिफिकली पूछेगा आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों में से किसी की भी कमांड बता दो, तो आपको बतानी होगी। तो यहां से फिर हमारी बसती है आर्मी की कमांड। अब आर्मी की कमांड क्या है, आर्मी की भी 7 कमांड है जैसे एयरफोर्स की है। पहली कमांड है चंडीगढ़ में, वो है वेस्टर्न कमांड, यहाँ पर हरियाणा पंजाब के बीच में आ गया चंडीगढ़। उसके बाद नॉर्थर्न कमांड उधमपुर, यहाँ आपके जम्मू एंड कश्मीर में आ गया उधमपुर। उसके बाद आर्मी ट्रेनिंग कमांड हो गए शिमला, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला। फिर साउथर्न वेस्टर्न कमांड जयपुर, यहाँ पर हमारे राजस्थान में आ गई जयपुर। और फिर यहाँ पर ईस्टर्न कमांड आ गई कोलकाता जो कि हमारी वेस्ट बंगाल की है। देन साउथर्न कमांड पुणे जहाँ पर मैं रहता हूँ, ये आ गया पुणे, कहाँ गया पुणे, यहाँ पर मुंबई के पास आ जाएगा पुणे। एंड सेंट्रल कमांड हो गई लखनऊ। तो ये बात आपको याद रखनी है, यहाँ तक की हो गई कहानी। मेरे लिए कोई मैसेज तो हैशटैग वाशटैग करके कमेंट सेक्शन में बताओ, या आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम भी कर सकते हो। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। वो है अंतिम पगो।